नमस्कार, ओएनआई न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। मंच पर चढ़ने से रोका तो रोने लगी साध्वी गीता प्रधान। लोगों ने पूछा तब क्यों नहीं रोई जब समाज की बेटी के साथ हाथरस में हुई थी हैवानियत। साध्वी बोली, मैं दलित हूं इसलिए योगी के मंच पर नहीं चढ़ने दिया। एसटी/एससी आयोग की सदस्य गीता प्रधान ने स्थानीय नेताओं पर बीजेपी का प्रोग्राम होने पर उनसे पैसा मांगने का लगाया आरोप। हर वक्त भगवा पहनने वाली गीता प्रधान। मुख्यमंत्री की जनसभा से पहले मंच पर नेता विचार व्यक्त कर रहे थे, वही संचालनकर्ता बारी बारी से बुला रहे थे। वही एसटी/एससी आयोग की सदस्य गीता प्रधान ने इस द्वारा आरोप लगाया कि योगी के कार्यक्रम में कल मंच पर नहीं दिया चढ़ने, और आज वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने, हंगामा जिसका कि वह दलित है इसलिए उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया, और मुख्यमंत्री के आने से पहले स्थानीय व वरिष्ठ नेताओं को संबोधन के लिए बोला था। वहीं एसटी/एससी आयोग की सदस्य व दर्जा राज्य मंत्री गीता प्रधान मौजूद थी, लेकिन उन्हें मंच पर नहीं बुलाया गया और उन्होंने आक्रोशित होकर रोते हुए मीडिया को बताया कि वह एक दलित की बेटी है। वही 3-4 वर्ष से भाजपा की सेवा करती आ रही है, इसलिए भाजपा ने उन्हें एसटी/एससी आयोग का सदस्य बनाया। इसके बाद भी मुझे मंच पर संबोधन के लिए नहीं बुलाया गया, जबकि मेरा यह अधिकार है। मैम, मैडम किस लिए आप नाराज हो रही हैं? मेरा नाम साध्वी गीता प्रधान है, मैं उत्तर प्रदेश सरकार एससी/एसटी आयोग में मंत्री हूँ। ये मेरा कार्य क्षेत्र है, मैं यहाँ से जनप्रतिनिधि हूँ वर्तमान में। 3 साल योगी जी की सरकार ने प्रसन्न होकर मुझे उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा राज्य मंत्री बनाया, और मैंने जब बहुत अच्छा काम किया तो पुनः मुझे बनाने का काम किया। आज क्या हुआ जो आपकी आंखों में आंसू आए? मेरा कार्य क्षेत्र जनसभा, मेरा राइट बनता है, मैं मंच पे रहूं। मंच में जान पूछ कर यहाँ के पदाधिकारियों ने मेरा नाम नहीं डाला, जैसे और मुझसे ये कह रहा है कि जाइए मंच से नीचे जाइए, आपका नाम लिस्ट में नहीं है, ये मेरा दलित समाज का अपमान है। सबसे पहले मैं साध्वी हूँ। माननीय योगी जी की सरकार, मोदी जी की सरकार सबके साथ सबके विकास को लेकर कार्य कर रही है, और एक दलित महिला जो कि साध्वी है, वाल्मीकि समाज से, उत्तर प्रदेश में मात्र एक अकेली नेता हूँ, मात्र उत्तर प्रदेश में एक अकेली साध्वी हूँ वाल्मीकि समाज की। मैंने बहुत समर्पण किया है, तन मन से रात दिन 24 घंटे पार्टी के लिए समर्पित रहती हूँ, और यहाँ से मैं टिकट की दावेदार भी थी। लास्ट समय में मेरा टिकट कटिया, कोई बात नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही हूँ। मैंने बहन जी को भी 2-3 दिन चुनाव लड़ाया, और आज मैं मंच पे बैठने के लिए भी नहीं आई, मैं चुनाव लड़ने के लिए भी आई हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको आपकी आंखों में आंसू आए और आपको इतना आहत होना पड़ा, ऐसा क्या हुआ? आप नहीं बैठूंगे। और फिलहाल खबरों में इतना ही, और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए ONI News India।